हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सॉन्ग के बारे में बताने वाला हूं। एक भाई हैं जिनका नाम है यकी एक्स और इनका एक गाना आया हुआ है जिसका नाम है लौट आओ ना पापा। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस सॉन्ग की, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना एक बार। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कर्मा की तरफ से। तो कर्मा का एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है सक्सेस, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है मूव आर्ट की तरफ से। तो मूव आर्ट का भी एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है इको फ्रेंडली, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है लिल गोलू की तरफ से। तो लिल गोलू का भी एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है इलाका। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है सिकंदर कालोन की तरफ से। तो इनका भी एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है किंग इन द नॉर्थ। और ये जो गाना है ये 2017 की एल्बम का है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है दानव की तरफ से। तो दानव का भी एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है हालत। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है बोहिमिया पाजी की तरफ से। तो बोहिमिया पाजी का एक गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है मुटियारेनी, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो के साथ में आया हुआ है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है आवृत्ति म्यूजिक की तरफ से। तो आवृत्ति म्यूजिक का भी जो सॉन्ग है एरर 404, तो उसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है किट शॉट की तरफ से। तो किट शॉट ने अपने नए गाने का पोस्टर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बूरी, और ये जो गाना है ये उनकी बहुत कुछ ईपी का ही होने वाला है जो कि 9 तारीख को हमको देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है लोका की तरफ से। तो लोका का भी एक गाना आ रहा है और ये जो सॉन्ग है ये 8 अक्टूबर को हमको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये जो गाना है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी ईपी का ही है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की जो अमन बैसला है उनकी माँ की थी, और उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी लोग आए हुए थे, पहले FIR दर्ज नहीं हो रही थी फिर हो गई, और जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे उनको धन्यवाद बोला हुआ है। और साथ ही उन्होंने बताया हुआ है कि जो सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है, और जो विपिन खत्री नाम के कोई हैं वो यहाँ पर अभी भी फरार हैं। और साथ ही जो रफ्तार हैं उन्होंने शेयर करते हुए नीचे लिखा हुआ है अमन बैसला मदर स्टेप टू अरेस्ट, जो सब कल आए थे सबको शुक्रिया #justiceforAman। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है फ्लेम बॉय की तरफ से। तो फ्लेम बॉय ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था I am not signed to any label, मेरा काम है बीट्स बनाना एंड I am doing it independently। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। तो जी हां दोस्तों, जो हिंदुस्तानी भाव है उनका एक गाना आ रहा है जिसका उन्होंने टीजर रिलीज कर दिया है जिसका नाम है मुंबई में चांद। और इस गाने के टीजर को शेयर करते हुए हिंदुस्तानी भाव ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने टी सीरीज को, बादशाह को, रफ्तार को और भी कई लोगों को मतलब कि टैग किया हुआ था, और उस पे नीचे लिखा हुआ था जवाब 10 अक्टूबर को मिलेगा। उनका ये जो सॉन्ग है ये 10 अक्टूबर को रिलीज़ हो रहा है, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि वो लाइव भी आए हुए थे और उन्होंने बताया हुआ था कि क्यों वो ये गाना बना रहे हैं और उनकी खुद की आवाज़ में ये गाना होने वाला है। उन्होंने बताया हुआ है कि एक गाना आया हुआ है पहले टी सीरीज पर जिसका नाम है मुंबई में कावा, तो इसका रिप्लाई देते हुए वो ये गाना बना रहे हैं मुंबई में चांद। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला हुआ था, आप देख सकते हो, और इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था मैं बताऊंगा असली हिप हॉप कैसे होता है फुल मुंबई स्टाइल में, और उन्होंने बताया हुआ था कि 10 अक्टूबर 2020। पर यहाँ पर बात समझ में ये नहीं आ रही कि जो हिंदुस्तानी भाऊ हैं वो रफ्तार और बादशाह को क्यों मेंशन किए। इस बारे में आपको कोई पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था दे विल डू एनीथिंग फॉर क्लाउड एग्जाम्पल स्टिल फ्लो LOL। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो डिवाइन का सॉन्ग है सिटी स्लम उसका फ्लो कॉपी किया हुआ था, मतलब कि एक जो मूवी आ रही है हरामी उसमें, तो शायद से ये ट्वीट उसी के लिए है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया हुआ था जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था नेक्स्ट वन विल बी स्लैप योर स्पीकर लेफ्ट एंड राइट। तो हो सकता है जल्द से जल्द उनका कोई गाना भी आ रहा हो, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमीवे बंटाई की तरफ से। तो एमीवे ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसके नीचे उन्होंने एक टिकट का स्टीकर लगाया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि एमीवे लंदन जा रहे हैं कारामारनी के साथ मतलब कि कोलैब सॉन्ग करने के लिए। पर एमीवे ने आज कुछ कमेंटों के रिप्लाई दिए हुए हैं, उसमें से एक कमेंट थी एमीवे मीम क्लब की जिसने कि लिखा हुआ था भाई ये टिकट कहाँ की है कैप्शन में। तो इसके रिप्लाई में एमीवे ने लिखा 11 तारीख यूट्यूब फैन फेस्ट की आ जाओ सब मचाने डिजिटली। और साथ ही वहाँ पे कारामारनी ने एक कमेंट किया हुआ था जिसमें कि लिखा हुआ था वेट इज दैट आर टिकट टू लंदन। तो इसके रिप्लाई में एमीवे ने लिखा हुआ है हा हा ना दैट्स यू आर टिकट टू फ्लाई हेयर ही। और साथ ही वहाँ पे किसी ने पूछा हुआ था ब्रो वी नीड एन एल्बम फ्रॉम यू एज वेल ड्रॉप योर डेबिट LP। और यहाँ पर एमीवे ने लिखा हुआ था इंशाल्लाह। तो देखते हैं एमीवे की एल्बम कब तक आती है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।